प्रयास एनजीओ जिसके तरफ से बुजुर्ग लोगों को बच्चों को तो कुछ कपड़ा और खाने का सामान लेकर आए आप लोगों को वितरण करने के लिए। तो इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए मैं हमारे बड़गोला गांव पंचायत की सभा नेत्री सुश्री मीरा सुब्बा जी को आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध करता हूँ। उनके साथ हमारे पंचायत के CRS है और प्रयास एनजीओ की तरफ से बहुत सारे पंचायत में मैं स्वागत करती हूँ आपको, धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। उन्होंने एक स्टेप है, एक प्रयास है, एक नोबल स्टेप है ये, क्योंकि जो हमारे समाज में जैसे होते हैं जिनको कुछ सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है, ठंडी ठंडे के सीजन में जो ठंडी सीजन में विंटर सीजन में किसी को प्राप्त कपड़े नहीं मिलते हैं ठंडे को पहनने के लिए और कुछ खाने के लिए किसी को नहीं होती, सबकी सुविधाएं सबकी बराबर नहीं होती है। तो उसी को आज आप लोगों के लिए कुछ मैंने हमारे एनजीओ लीबी से ऐसा जो छोटी छोटी आवश्यकताएं लेके आए हैं आपके समक्ष उपहार के रूप में भेंट करने के लिए। मैं आप लोग से यही बात करना चाहता हूँ कि मैं इस काम में मैं काम कर लिया हूँ इसलिए कि मेरा नाम नहीं है और निरंतर। नमस्कार, मैं मिताली रॉय प्रयास एनजीओ की एक मेंबर हूँ और साथ ही साथ आप सब यहाँ पर आए, बहुत ही धन्यवाद। और धन्यवाद देती हूँ मैं हमारे प्रेसिडेंट बड़गोला जी के प्रेसिडेंट को और यहाँ पर बैठे सभी जो बड़गोला पंचायत के हैं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये अवसर हमें प्रदान किया। और साथ ही मैं आप लोगों के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, हमारे एनजीओ का नाम ही है प्रयास एनजीओ, से छोटा सा प्रयास जो कि हम लोग ये कर रहे थे, थोड़ा सा किसी को हम लोग अगर हमारे द्वारा किसी को कुछ हेल्प पहुंचे तो ये थोड़ा सा एक प्रयास हम लोग करने जा रहे हैं और इसके लिए हम लोग ये जो है रोटी और कपड़ा का जो हम लोग एक बैग, आप लोगों को पता नहीं होगा रेडू में हमारे प्रयास एनजीओ के ऑफिस में एक छोटा सा बैंक हम लोगों ने खोला है। ये कोई पैसे का लेन देन का बैंक नहीं है, ये है रोटी और कपड़े जैसे वो एक बैंक हम लोगों ने जैसे कुछ नीडी पीपल के लिए जिनको चाहिए होगा उनके लिए ये खोला गया है। किसी को अगर जरूरत है तो वो हमारे इस बैंक से आकर अगर कपड़ा चाहिए तो ले सकते हैं, अगर कुछ खाने का चीज चाहिए तो हमें बोल सकते हैं। ये एक ऐसा बैंक है जो कि इसका जो स्टार्ट किया था असम में शिवसागर में गौरीपुर बंधु, ये एक नाम है विराज हाजरिका, उनके इंस्पिरेशन लेकर ही हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा एक महत्व सोच उन्होंने रखा कि सबके हेल्प के लिए पैसे हर कोई नहीं दे पाता, मगर एक छोटा सा अगर हम लोग ऐसा सोच रखें कि हाँ जिसको जिसको ज़रूरत है उसको हम लोग एक कपड़ा और थोड़ा सा अगर खाने का चीज़ कुछ दे सके तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग ये ट्राई करें। और हमारा ये प्रयास एनजीओ जो मेंबर है सभी इसके लिए सभी आगे बढ़ के आए हैं, क्योंकि ये सभी ऐसे लोगों के लिए हम लोग स्टैंड उठा पाए।
মংলাই পঞ্চায়ত আৰু আমি আজি ৰুটি আৰু কাপোৰ বিতৰণ কৰি আছো। এই গোটেই বেংকটো আমি যোৱাৰ 5 ডিচেম্বৰত লৈছোঁ বিৰাজ হাজৰিকা দাদাৰ ভায়ক, আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আগত দিনত যাতে আমি এনেদৰে দুখীয়া মানুহক আমি যাতে অলপ সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ প্ৰচেষ্টা থাকিব, আৰু মোৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা আমাৰ লগত লাগিব এই বুলি আমি মোৰ বক্তব্য